नमस्कार, वेलकम टू शवेज किचन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त बारिश का सीजन चल रहा है, हर तरफ झमाझम बारिश हो रही है, और ऐसे में कुछ तीखा, चटपटा और गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो फिर इसका कहना ही क्या। तो चलिए, आज हम बहुत ही चटपटी रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए, और ये है कॉर्न चाट की रेसिपी। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए, हम आपको बताते चलते हैं कि कॉर्न चाट की रेसिपी बनाने के लिए हमने कौन कौन से सामान लिए हैं। तो इधर हमने कॉर्न लिया है, ये फ्रेश कॉर्न है, इसके दानों को मैंने निकाल लिया है, अभी इसको मैं बॉयल करूँगी। इधर टोमेटो केचप है, ये मीठी चटनी, ये हरी चटनी है, ये चाट मसाला है। इधर सादा नमक है, ये काला नमक है, ये कुटी हुई काली मिर्च है, ये कटे हुए प्याज हैं, एक नींबू है, धनिया की पत्ती है, और ये कैप्सिकम है छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और इधर ये टमाटर है। तो चलिए, देर न करते हुए हम फटाफट इस रेसिपी को बनाकर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉर्न को उबाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और गैस को ऑन कर देते हैं। अब इसको थोड़ी देर हम उबलने देते हैं। कॉर्न हमारा उबल के तैयार हो चुका है, अब हम इसको छान लेते हैं। कॉर्न उबालने के बाद हम फिर से इस फ्राई पैन को चढ़ाएंगे और इसमें करीब आधा चम्मच हम ऑयल डालेंगे। बहुत कम ऑयल हमने इसमें डाला है ताकि ये हेल्दी रहे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। बहुत जरा सी इसमें हींग डालेंगे हम। और अब हम इसमें ये कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे। इसके बाद इसमें ये कटे हुए टमाटर डालेंगे। इस चाट में दोस्तों हम इसको कच्चा भी डाल सकते थे, लेकिन ये बहुत किचकिच सा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको क्रंची होने देंगे और हल्का हल्का ही इसको पकाएंगे। जब तक हमारा शिमला मिर्च और टमाटर पकता है, तब तक हम एक बर्तन लेंगे और उसमें ये उबले हुए कॉर्न को डाल देंगे। हमारे क्रंची हो चुके टमाटर और शिमला मिर्च को भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज हम पूरा नहीं डालेंगे, आधा ही डालेंगे। फिर हम इसमें ये सादा नमक डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। नमक को हमें थोड़ा ही डालना है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी डाल रहे हैं। तो अब हम इसमें चाट मसाला डालते हैं। और ये नींबू का रस ऐड करते हैं इसमें। अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं।
ऊपर से इसमें हम कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है और इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। ऊपर से इसमें हम हरा धनिया मिलाएंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी मीठी चटनी डालेंगे। इसके बाद इसमें ये हरी चटनी डालेंगे। और ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। दोस्तों आप इसको ज़रूर बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। अब सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, अब इसको हम सर्व करते हैं। ऊपर से हम इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी चटनी और डाल देंगे। थोड़ा सा ये चाट मसाला ऊपर से डाल देंगे और ये कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी ये कॉर्न की चाट बनके तैयार हो चुकी है। आपने देखा ये बहुत जल्दी बनती है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट ये रेसिपी बनके तैयार होती है। आपको बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है और ये गर्मा गर्म बहुत अच्छी लगती है। ये टेस्ट के साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय कीजिए और फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।